नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 3 साल से मानदेय न मिलने पर और समूह की महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने के विरोध में समूह की क्लस्टर अध्यक्ष कल्पना बिष्ट नेतृत्व में विकास नगर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। समूह की महिलाओं का आरोप है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े वंचित स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ शासन प्रशासन द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, परंतु उन्हें सरकार द्वारा झूठे आश्वासन ही मिल रहे हैं। सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि हमारे सक्रिय बहनों को मानदेय 2-3 साल से नहीं मिला है। वहीं और समूह की महिलाओं का कहना है कि सरकारी काम और गैर सरकारी काम निरंतर 6 सालों से एक ही समूह को दिया जा रहा है। अक्टूबर से टेक होम राशन का कार्य अभी तक पेंडिंग है। वहीं आज प्रदर्शन करती हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कहा कि अगर सरकार समय पर हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना समर्थन दिया। क्रांति दल का प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कंडवाल और आज हमने अपनी मातृशक्ति को समर्थन दिया है। समर्थन इसलिए दिया है कि जो टेक होम योजना है ये भारी गड़बड़ झाला है और ये सांपनाथ और नागनाथ कांग्रेस और भाजपा इस गड़बड़ झाला के पितामह है, तो इस पितामह को अब ये मातृशक्ति सैया पे लिटाने वाली है। सैया की तैयारी हो चुकी है, अगर 24 घंटे के अंदर इसका निराकरण नहीं हुआ तो उत्तराखंड क्रांति दल अपने बोरे बिस्तर लेकर यहाँ पर लेटेगा और तब तक नहीं उठेगा, या तो हम मरेंगे या ये सरकार मरेगी। कल्पना बिष्ट है और मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ, क्लस्टर अध्यक्ष पद पर हूँ। ये बताएं कि आप जो तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन आपका कार्यक्रम चल रहा है, किस उद्देश्य के लिए, किस मांग के लिए आप जो है? हम उत्तराखंड सरकार ने जो हमें जुमलेबाजी की है हमारे साथ और हमें मतलब झूठे आश्वासन और झूठे आदेश हमारे को जो हमारे से हमारी जो मांगे थी टेक होम राशन के लिए, हमारा सक्रिय महिलाओं के मानदेय के लिए, सब झूठे आश्वासन दे दे के हम लोगों को मतलब जुमलेबाजी कर करके उसके लिए हमने ये धरना किया है। आखिरकार हमारी मांग ये है कि जो ये जो टेक होम राशन का था, हमने शासन प्रशासन को काफी समय से हम लिख रहे थे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें कहा नहीं जी, धामी जी ने भी हमें कहा और जो उनसे पहले हमारे तीरथ जी थे उन्होंने भी हमें कहा कि नहीं हम आपको ये काम होना चाहिए, ये सभी के सभी को मिलना चाहिए, आश्वासन दिए, चलते फिरते दिए, हमें कभी जनता दरबार में बोला कि नहीं जी आपके पास, शासन प्रशासन को हमने अलग से लिखा, जो हमारी विभागीय मंत्री हैं रेखा आर्य जी उनको भी हमने बोला तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। उसके बाद उन्होंने विज्ञप्ति निकाली, बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, 16 जो अक्टूबर है वो हमारी लास्ट डेट थी, हम लोगों ने 16 दिन तक दिन रात महिलाओं ने मेहनत करी, फॉर्म भरे, उसके बाद आज एक महीने से ऊपर हो चुका है और अभी तक रिजल्ट नहीं निकले और हमें मालूम पड़ा है कि माननीय रेखा आर्य जी ने निरस्त करने के कागज भी उनको दिए कि 22 तारीख को कभी वो निरस्त करती है, 26 तारीख को एक नया लेटर निकालती है, नहीं जो मैंने जो निरस्त किया है 22 तारीख को उसको फिर आप पुरानी तरीके से, समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं ये लोग। क्या रणनीति है? रणनीति ये है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी सक्रिय महिलाओं का मानदेय नहीं मिला पूरा जो 2-2, 3-3 साल से पेंडिंग है और जो ये हमारा टेक होम राशन का रिजल्ट नहीं निकलता है विद इन 24 आवर्स तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे।